मेरी फैमिली ने इतने तक ब्लैकमेल कर साढ़े मगर कोई चक नहीं पता साढ़े मगर एम पी दी सपोर्ट है। देश में लड़कियों उत्ते हो रहे अत्याचार रोकने का नाम नहीं लै रहे। आए दिन कोई ना कोई नवी घटना देखने मिलती है। ज्यादातर यह घटना सियासत की भेट चढ़ जाती हैं। जेकर पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज भी किया जाता है तो ज्यादातर पुलिस दोषी व्यक्ति फड़न असफल ही रहती है। इसे तरह की घटना दुराहा दे विच वापरी जिथे दिन दिहाड़े एक व्यक्ति वालों लड़की बुरी तरह कुटिया गया। लोग कोठे उपर खड़े इसकी वीडियो तो बनाते रहे पर उसे रोकने की किसी की भी हिम्मत न पई। वीडियो वायरल होने तो बाद पुलिस द्वारा लड़की का हाल चाल तो पूछा गया पर स्थिति ज्यों दी त्यों है क्योंकि लड़की द्वारा दिते बयान के आधार से भावे पुलिस द्वारा उस लड़के के विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज कर दिता गया है पर लड़के नू गिरफ्तार करने तो दुराहा पुलिस अपनी नाकामी जाहिर कर रही है। इस संबंधी जब अस्पताल विच दाखिल पीड़ित लड़की नाल गल की गई तो उसने कहा कि इस लड़के नाल मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये काफी लंबे समय तो मैनू तंग परेशान करता आ रहा है। मैनू जानो मारन दियां धमकियां भी दे रहा है। इस लड़के नू बचाउण विच दुराहा दा कांग्रेस दा एमपी मेरे ते दबाव पा रहा है। इस लड़के नू बचाउण विच दुराहा दा कांग्रेस दा एमसी मेरे ते दबाव पा रहा है। ओ इस लड़के नू बचाउण दी कोशिश कर रहा है। जेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना कीती तां मैं आत्महत्या कर लवांगी। ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾ ਦੂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੱਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੂ। ਚਲੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ 12:45 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੁੰਡਾ ਦਰਾਹੀ ਬੰਦਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਰਨਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ 3-4 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੇਫਿਕਰ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। आपस विच विगड़ गई। जदों लड़की रास्ते विच आ रही सी तां लड़के ने इस नूं कोर्ट मैरिज करवाउण लई कहा ते लड़की द्वारा जवाब देण ते लड़के वल्लों इस दी कुटमार कीती गई। उस विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिता गया है। जदों उन्हां नूं सियासी दबाव बारे पुछया गया तां ओह गल गोल गोल करदे नजर आए। इस तरह इन्हां दिनां 7-8 साल पहलां तो फ्रेंडशिप सी वी जिन्हां दे आपस विच ही बिगड़ गया कम। उस तो बाद फिर कल लड़की यह जिथे सेठी फैशन हाउस दे लगी है उहदे पिछे जाके बाथरूम दे विच दूसरे गली दे विच बाथरूम गई सी ते जदों बाथरूम गई यह उत्थे रणदीप नाम दा लड़का इहदे पिंड दे जिहदे नाल फ्रेंडशिप सी ओह इहनूं मिल गया ते उहने इसनूं कहा कि मेरे नाल कोर्ट मैरिज करा। इन्हें जवाब देता, उन्हें फिर फड़के इन बालों से फड़के थले गिर के कुटे। इधर रिगार्डिंग असी FIR लॉज कर दी है। सर कुड़ी का कहना भी मेरा कोई रिलेशन नहीं सी, मैंने पिछले काफ़ी लंबे अरसे तो तंग परेशान कर रहे हैं। नहीं पहला हैगी सी ना जी। अच्छा जी। हाँ जी दसिया, लड़की ने बयान दे विच दसिया। ठीक है। हाँ जी तो सर कई मुंडे के खिलाफ की कार्रवाई की गई हूँ तक? FIR लॉज कर दी जी 354, 323, 341, 506 आई थी सी। गिरफ्तारी हुई है जी? नहीं हले। नहीं जी हले भजे आए, डेटा कीतियां घरों फरार। उसनों कोई सियासी दवा तो नहीं है जी? नहीं।
आखिर कदों तक लड़कियों उपर हो रहे अत्याचारां दीआं घटनावां रुकणगीआं अते सियासतदान इस विच अपनी सियासत दीआं रोटियां कदों तक सेकदे रहणगे दोषी व्यक्तियों की मदद कदों तक करदे रहणगे अते पीड़तां इंसाफ लई दर दर भटकदीआं रहणगीआं अते खाकी कदों तक सियासतदानां दे हत्थां दी घटपुतली बनी रहेगी। खन्ना तों प्रोफेसर अवतार सिंह दी रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।